गाजियाबाद राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का लोकार्पण आज होगा। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। शाम 4 बजे गोवा से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का लोकार्पण आज करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, शाम 4 बजे गोवा से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम। पीएम मोदी आज गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, गाजियाबाद राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा संस्थान ये रहेगा और मेरे ख्याल से उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल गाजियाबाद बनकर तैयार हो गया। 1 मार्च 2019 को इसकी पटकथा रची गई थी, जब केंद्रीय मंत्री जो बीके सिंह ने इसके लिए कहा था कि ये बनाया जाएगा, और निश्चित रूप से तब से इस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी और 1 मार्च 2019 के बाद इसका निर्माण शुरू हो गया था। हालांकि कोरोना के चलते इसके निर्माण में तमाम बाधाएं आई थी, तमाम समस्याएं आई थी, उसके बावजूद ये तय समय पर यहाँ पर इसका बन गया है। और साथ ही यहाँ पर एक व्यवस्था और भी है कि अगर इसकी हम व्यवस्थाओं की बात करें तो लगभग इस हॉस्पिटल का जो अनुमानित लागत थी वो 382 करोड़ की लागत में तैयार हुआ था। और मयूरी, आज अगर बात करें, आज के दिन की हम बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी आज आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि गोवा के पणजी में, उसका उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वर्चुअली वो NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक और आपका गाजियाबाद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल, दोनों का उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिला के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 3 प्रमुख सौगातें देने जा रहे हैं। और क्या कुछ सौगात दे सकते हैं गौरव? देखिए, फिलहाल इस जानकारी के मुताबिक पणजी में जो ना बताया आपको कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट होम्योपैथी के, उसके उद्घाटन वो नई दिल्ली में वर्चुअली करेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद में बताया तो गाजियाबाद 3 प्रमुख कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हुए हैं। तीनों ये हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, बहुत बड़े संस्थान है। और निश्चित रूप से अगर हम गाजियाबाद के यूनानी हॉस्पिटल की बात करें तो AIIMS की तर्ज पर बनाए, लगभग 10 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा संस्थान है, तमाम तरह की सुविधाएं इसमें है। और एक यूनानी हॉस्पिटल, मैं आपको बता दूं, यूनानी ये हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है, जो बन के तैयार हो, इसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल बनेगा। निश्चित रूप से यूनानी चिकित्सा को बेहतर चिकित्सा की पद्धति में शामिल किया जाता है। अगर हम चिकित्सा पद्धति की बात करें तो होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी है, यूनानी चिकित्सा पद्धति भी है। तो तमाम पद्धतियों के बीच यहाँ पर यूनानी हॉस्पिटल की सौगात यहाँ पर फिलहाल उत्तर भारत को दी जा रही है। और निश्चित रूप से ये सौगात उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसमें फायदा होने वाला है। इससे गौरव लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी, क्या क्या चीजों की फायदा मिलेगा इससे लोगों को? देखिए, जो यूनानी चिकित्सा को मानते हैं, उससे इलाज कराना चाहते हैं, यूनानी बहुत पुरानी चिकित्सा, निश्चित रूप से इसको लाभ भी लोगों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर रहेगा। तमाम तरह की इसमें जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम स्त्री की बात करें मयूरी, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर की बात करें या MRI व्यवस्थाओं की बात करें, या अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम तरह की जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं, तकनीकी होती हैं, या ऑपरेशन थिएटर होगा या MRI हो गया, या तमाम तरह की जांचों की मशीनें होंगी, तमाम तरह की यहाँ पर मशीन भी रहेगी। इसके अलावा जो अत्याधुनिक जो चिकित्सा पद्धति के सामान है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और 10 एकड़ बना हुआ तमाम तरह की जो चिकित्सा व्यवस्थाएँ हैं वो भी इसमें आपको मुहैया होंगे आम जनता के लिए। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मेडिकल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। बता दें, वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। बता दें, कुछ ही देर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर निकाय चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे।
इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, सीएम योगी वाराणसी दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्यकाल की, तो इस कार्यकाल में भी वो लगातार जाते हैं, कार्यों की समीक्षा करते हैं, चुनाव की समीक्षा करते हैं, तमाम तरह की सौगातें लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रचार की व्यवस्था भी अपने ऊपर ले रखी है। और हमने देखा है, गुजरात चुनाव की बात करें, हिमाचल प्रदेश की चुनाव की बात करें, या उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार सक्रियता के साथ हर जो उनको जो रोल दिया गया है उस रोल को निभाते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पर काशी भी गए हैं, वहाँ पर भी काशी में उनका जो कार्यक्रम है मेडिकल कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया है, वहाँ पर लोगों को संबोधित किया है। इसके अलावा निकाय चुनाव आ रहा है और वहाँ पर सम्मेलन को वहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मयूरी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं कि चूंकि समय पास है और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, और इसके अलावा 24 चुनाव भी आ रहा है, और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो जिम्मेदारी मिलती है उन पूरी जिम्मेदारियों को पूरी तरह बयान करते हैं, और सभी जिम्मेदारियों को यहाँ बयान करने की उनकी जो एक ललक है वो देखने वाली होती है। चाहे गुजरात चुनाव की बात करें, हिमाचल चुनाव की बात करें, और चाहे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारियों की बात करें, यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय बने रहते हैं। और रैलियों के माध्यम से और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से, अगर इन सम्मेलनों की बात करें मयूरी, तो इन सम्मेलनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार लाभ उठा रही है। 14 और अगर हम सम्मेलन की शुरुआत करें, तो सम्मेलन की शुरुआत 2014 में सम्मेलन हुए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए, अलग अलग वर्गों के सम्मेलन कराए गए, इसके अलावा पसमानदा सम्मेलन भी अभी कराए जा रहे हैं। तो सम्मेलन की जो रूपरेखा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाभ दिला रही है, उनका जनाधार बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी अपनी नीतियों को बेहतर कर रही है। और ये परंपरा है मयूरी, ये 14 से चल रही, 14, 17, 19 और 22 में परंपरा लगातार चली आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी संपन्न इन सम्मेलन के माध्यम से जनाधार को बढ़ा रही है, और जो वर्ग विशेष के लोग हैं या जो वर्ग के लोग हैं या जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको साधने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सारी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। गौरव, जैसा अभी आपने कहा कि लगातार बीजेपी सम्मेलन कर रही है और अपना जनाधार बढ़ा रही है, तो क्या इसका निकाय चुनाव में भी फायदा देखने को मिलेगा? जी मयूर, मैंने आपको बताया कि ये जो फायदा है ये 14 से पटकथा चल रही लगातार। 14 में सम्मेलन हुए, उसके 17 में सम्मेलन हुए, उसके 19 में सम्मेलन कराए गए, उसके 22 सम्मेलन कराए गए। तो कहीं ना कहीं जो चार बार से बीजेपी लगातार जीत रही है, वो जीत के सिलसिले में अगर हम देखें तो इन सम्मेलनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और समय समय पर अलग अलग जाति वर्ग के, वर्ग विशेष के, प्रबुद्ध वर्ग के, मुस्लिम समाज के सम्मेलन बीजेपी कराती आई है, और निश्चित रूप से बीजेपी से इसको जनाधार बढ़ाने मजबूती मिली। और बीजेपी जब समझ रही है कि इन सम्मेलनों से जनाधार बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल की जो खूबियां हैं उसको बताया जा रहा, अंदर अंदर पहुंचाया जा रहा, कहीं ना कहीं अभी जो सम्मेलन की पटकथा लगातार चल रही है ये फिलहाल बीजेपी के लिए लाभदायक है। और फिलहाल बीजेपी इसी पटकथा पर लंबी चलती चली आ रही है, और 24 चुनाव है, और इस चुनाव में भी इस तरह की जो उनकी जो रणनीति है वो बलवती होती दिखाई देगी मयूरी। गौरव, वाराणसी में सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी? देखिए, अगर मयूर हम आपको बात करें तो ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी, वहाँ पर आपका सीएम योगी शामिल हो चुके हैं। वहाँ पर एक हफ्ते की प्रदर्शनी है जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी तमाम तरह की जो है पेंटिंग का वहाँ पर आपका लोकार्पण किया गया, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया और वहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉन्क्लेव में वहाँ पर शामिल हुए, इसके अलावा संपूर्ण विश्वविद्यालय में उनकी जनसभा है जहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित करेंगे। फिलहाल एक कार्यक्रम उनके फिलहाल प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ कार्यक्रम है वाराणसी में। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है शिवपाल का, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ के शिविर कैंप कार्यालय पहुंचे हैं शिवपाल यादव। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मयूरी जो नतीजे उपचुनाव के आए कहीं ना कहीं सपा के लिए यहाँ पर फायदेमंद रहे हैं, क्योंकि सपा ने यहाँ पर खतौली सीट जीत ली है। इसके अलावा मैनपुरी जो कि उनकी परंपरागत सीट थी वो उसने जीत ली है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के जो लोगों का जिस समय उत्साह चरम पे होगा, निश्चित रूप से इस तरह की संजीवनी की जरूरत भी समाजवादी पार्टी को थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो उनके कार्यकर्ता थे या उनके जो नेता थे वो लगातार उत्साह की कमी देखी जा रही थी। लग रहा था कि शायद
संघर्ष नहीं कर पा रहा है, पर यहाँ पर जिस तरह से जीत मिली है तो कहीं ना कहीं इस जीत में शिवपाल सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर मयूरी हम 2019 चुनाव की बात करें, उस चुनाव में भी हमने देखा जो जसवंत नगर विधानसभा है, शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा है, वहाँ पर भी मुलायम सिंह यादव को लगभग 60% वोट वहाँ से मिले थे, वहाँ से जीत दर्ज करके आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जसवंत नगर की भूमिका रही है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने जहाँ पर प्रचार किया है वहाँ पर बीजेपी को खासा नुकसान भी हुआ है और समाजवादी पार्टी को खासा फायदा भी हुआ है। जिसके लिए देखा गया कि शिवपाल सिंह यादव सपा में अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फायदा, समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है। उसी फायदे के कारण यहाँ देखा गया शिवपाल सिंह यादव को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है और यहाँ पर तमाम तरह के मतभेदों को भुलाकर यहाँ पर अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव का मिलाप हुआ और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी पसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का अपनी पार्टी का इसमें विलय कर लिया, जो कि 2018 बनाई गई। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर पहल है और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ मिल सकती है और जिम्मेदारी क्या मिलेगी, क्या बेहतर होगा, तो आने वाले वक्त बता। पर निश्चित रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो धरे कहे जाते थे शिवपाल सिंह यादव, उनको यहाँ एक कर लिया गया है और अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी फिलहाल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। गौरव, प्रसपा का सपा में विलय हुआ है, शिवपाल यादव आज लखनऊ पहुंचे हैं, क्या निकाय चुनाव के लिए भी आज कोई रणनीति बन सकती है? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई पड़ेगी और जिससे अखिलेश बोल चुके हैं कि इस चुनाव को हम हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर संजीवनी मिल चुके हैं मयूरी और संजीवनी के माध्यम से यहाँ पर लड़ते भी नजर आएंगे, संघर्ष भी होगा। और शिवपाल सिंह यादव जो कि अकेले चुनाव लड़ने की पहले घोषणा कर रहे थे, अब बोबिन के साथ में आकर कहीं ना कहीं जो एक परंपरागत वोट बैंक है MI फैक्टर जो समाज पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, तो उसमें भी जनाधार मिलेगा। इसके अलावा अब सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि सबसे बड़ा वोट वर्ग है यानी दलित वर्ग है, उसको कैसे अपने साथ करना है, पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे अपने साथ करना है। तो अब रणनीति इस पर बनाने पड़ेगी, किस तरह हमें काम करना है, किस तरह बेहतर करना है और आने वाले समय में निकाय चुनाव किस तरह बेहतर लड़ना है, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है और किसी चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीजेपी भी किसी चुनाव को हल्के से नहीं लेती है, गंभीरता से चुनाव को लेती है, वो हम लगातार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ है, खतौली जीत गए, हालांकि रामपुर जीत कर उन्होंने ये बता दिया है कि जो वहाँ पर रामपुर में कहा जाता था कि आजम खां का एक छत्रराज है, तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव भी बीजेपी जीत कर आई थी, घनश्याम दास लोढ़ी वहाँ पर जीते थे, यहाँ पर जैसे आते यहाँ पर आकाश सक्सेना ने आजम खां के क्षेत्र में यहाँ पर आसिम को हरा के दिखा दिया है कि क्षेत्र किसी का भी अगर आप बेहतर संगठन करते हैं, बेहतर रणनीति बनाते हैं, तो जीत आप हासिल कर सकते हैं। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। मायावती के ट्वीट पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिली भगत होती तो खतौली मैनपुरी नहीं हारते, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। मायावती ने सपा भाजपा पर मिली भगत के आरोप लगाए थे। हाल ही में यूपी में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। मायावती के ट्वीट पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार सामने आया है। मिली भगत होती तो खतौली मैनपुरी नहीं हारते, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। मायावती ने सपा भाजपा पर मिली भगत के आरोप लगाए थे। हाल ही में यूपी में संपन्न हुए चुनाव। मायावती के ट्वीट पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार सामने आया है। मिली भगत होती तो खतौली मैनपुरी नहीं हारते, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, मैनपुरी और खतौली सपा ने जीत हासिल की, वहीं रामपुर में हार हुई थी, जिसके बाद मायावती ने साजिश का आरोप लगाया है, मिली भगत का आरोप लगाया है। इस तरह के आरोप लगाती रहती है ट्वीट के माध्यम से, वो हमेशा बताती रहती है कि सपा कांग्रेस और बीजेपी एक ही धड़े के अलग अलग पहलू है और लगातार जनता ठगने का काम कर रहा है। यहाँ पर मायावती ने रामपुर मैनपुरी और खतौली के जो परिणाम आए हैं उसके बाद यहाँ पर आरोप की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मिली भगत थी, जिस तरह से यहाँ पर मैनपुरी कैसे जीत गई समाजवादी पार्टी, जो कि बीजेपी बोल रही थी हम जीतने वाले, खतौली कैसे हार गए, रामपुर में वोटिंग कम हुआ उसका क्या परिणाम रहा, वोटिंग कम होने के पीछे क्या कारण है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी आगाह यहाँ पर किया है कि आप किसी मुगफी में न रहें और आप किसी भुलावे मत रहें और अपने हिसाब से आप वोट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपको यहाँ ठगा जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं मायावती समय समय पर अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी राजनीति यहाँ पर कराती है। पर अगर हम सक्रियता की बात करें तो सक्रियता फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। हालांकि निकाय चुनाव की घोषणा भी की है कि निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने वाली है, पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। पर कहीं ना कहीं मयूरी अगर हम बात करें, अगर सक्रिय राजनीति की बात करें, तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी जो कि लंबा कार्यकाल यहाँ पर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उतनी स्थिति नजर नहीं आ रही है जितना हम सोचते हैं। बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अभी स्थिति ये है कि निकाय चुनाव की घोषणा की है। बाकी अगर हम बात करें उनके बयान पर, तो बयान पर भाजपा के प्रदेश भूपेन्द्र चौधरी ने उनको जवाब भी दे दिया है कि अगर मिली भगत होती तो हम वहाँ पर खतौली और मैनपुरी सीट नहीं जीतते। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और फिलहाल निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, ये स्त्री मयूरी हमको देखने मिलती रहेगी। 24 का चुनाव भी है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं अभी बात देखने वाली ये होगी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कब अपनी पार्टी को इतना सक्रिय करती हैं कि धरातली संघर्ष भी हो, कि बिना धरातली संघर्ष के कुछ परिणाम बेहतर नहीं होने वाले हैं। जी गौरव, जहां पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी को बी पार्टी बसपा को बीजेपी का बी पार्टी बताती थी, वहीं अब इसका एकदम उलट हो गया है। मायावती ने ही आरोप लगा दिए हैं। देखिए आरोप कौन के कहाँ लगाता है, आरोप इतना दौर चलते रहता है। कोई बताता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कोई बोलता है ओबीसी बीजेपी की बी टीम है, कोई बताता है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। अब कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम है, ये तो मयूरी दो दल ही जानते होंगे। फिलहाल यहाँ पर चूँकि चुनाव है तो सपा और बसपा और भाजपा और कांग्रेस भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। और अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट के माध्यम से तमाम समय पर इस तरह की चर्चा करती रहती है। आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, आरोप प्रत्यारोप के दौर कैसे वक्त बताया, फिलहाल ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल सरगर्मी बनी हुई है और ये सरगर्मी निकाय चुनाव के बाद 24 चुनाव तक चलती रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।